अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज मैं आया हूँ बोटानिकल गार्डन। तो आज हम आपको यहाँ का व्लॉग दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी पार्क है यहाँ पे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर ऊपर जा रहे हैं। आपको ऊपर से बोटानिकल गार्डन का नज़ारा दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हम बोटानिकल गार्डन के क्या कहते हैं पुल जो बनाया हम उसके वहाँ पर बैठे हुए हैं। स्टोरी ऐसी थी सुबह की, तो प्लान ऐसे बना कर रात को कि हमने सुबह जल्दी जाना है। 12 बजे तक की टाइमिंग दी थी। माशाल्लाह से जो भाई थे वो बहुत जल्दी आ गए 10:30। फिर मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि 12 बजे ओपन होना है, तो इनको यही कहूँगा, अपनी नींद भी पूरी कर लूँगा। तो इस टाइम फुल मुझे नींद आई हुई है, क्योंकि अब एक बज गया मेरे ख्याल से। तो चलते हैं। काफ़ी दिनों से मैं बाहर के व्लॉग्स नहीं बना रहा था, बस चैलेंज का बना लिया या उसका बना लिया। ये भाई थे जो सुबह आ गए थे जल्दी से, 12 बजे का टाइम दिया था तो 10:30 आ गए थे। बाकी कोई नहीं, बिठा के रखा है इनको मैंने 1.5 घंटा। उसके बाद ही हम बाहर निकले हैं, क्योंकि मैं फ्रेश भी नहीं हुआ था। तो जब मैं सो के उठा ना, जिस टाइम गया है ना, उस टाइम ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दरवाज़ा ठक ठक करते हैं ना, खोलने का दिल नहीं करता, क्योंकि आपको पता सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, तो वैसे बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो आज माशाल्लाह से धूप निकली हुई थी, फिर मैंने सोचा यार चलो उठो, इतनी दूर से आए हैं तो इंजॉय करना चाहिए। इसीलिए इंसान की मॉर्निंग में वर्कआउट हो जाती है, एक्टिव रहता है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी रूटीन सही हो जाए, क्योंकि रूटीन ही इतनी माशाल्लाह से गंदी है, बंदा क्या बताए। रात दोपहर के टाइम उठना, एक हो ना कि बंदा मॉर्निंग में उठ रहा हो, वॉक कर रहा हो, वो समझ में भी आता है, लेकिन मेरा उल्टा हिसाब है। ये सुबह 5 बजे सोते हैं और मगरिब टाइम उठते हैं, रात का खाना आपको दिखा के सोते हैं। देखें, मैंने भी काफ़ी देर बाद बाइक का व्लॉग बनाया। तो गाइस, आप मुझे कोई टिप्स दें कि मैं अपनी रूटीन कैसे सही करूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूं अपने टाइम से। ये मॉर्निंग में इस चीज़ की एक्टिविटी हो जाती है कि बंदा सुबह मॉर्निंग टाइम जिम भी जा सकता है, वॉक भी कर सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पार्क के। और इस पार्क की एक खूबसूरती है कि जो ट्रीज हैं उसकी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखने में भी मज़ा आता है। तो मैं तो काफ़ी देर बाद आया हूँ, पहले तो 14 अगस्त पे आया था व्लॉग बनाने, तो काफ़ी देर बाद मेरा चक्कर लगा है। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ 2 दोस्त भी आए हैं। आने का मेरा मकसद यही होता कि मैं लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और आपको पता है कोरोना की वजह से मास्क का भी बहुत ज़रूरी हो गया। यहाँ पे बंदा टिकटॉक बनाने के लिए भी, ये जो प्लेस है ये टिकटॉक बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हम भी आज 2-3 टिकटॉक के लिए वीडियो बनाएंगे, वो हम अपलोड करेंगे। व्यूज़ तो हमें आने ही होते वैसे भी, हम कौन से फेमस हैं। बट बहुत शुक्रिया आपका, मेरे 2K सब्सक्राइबर हुए, काफ़ी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक्स। यहाँ पे ऐसा होता है बंदा थक नहीं सकता, जितना चलते रहोगे, ब्यूटीफुल प्लेस है, बंदा बोर नहीं होता। अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये सब्ज़ा इसलिए होता है, इंसान खुश हो जाता है यार। ठंडी ठंडी गर्मियों में तो वैसे ही इधर इतना रश होता है कि बंदा बता नहीं सकता। अभी बिल्कुल खाली है। वैसे आपको पता है कल बारिश हुई है, बारिश की वजह से आज माशाल्लाह से आज धूप निकली हुई है। तो मास्क तो मैं उतार नहीं सकता, वरना मैं मास्क उतार के आपसे बात करता, क्योंकि हर जगह तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। मास्क की उन्होंने ख़ास पाबंदी लगाई हुई है कि मास्क नहीं उतारना आपने। तो बाकी की वजह से ना मेरा असल में कहीं पर भी निकलना नहीं हो रहा,
क्योंकि सर्दी होती है, बंदे का वैसे उठने का दिल नहीं करता, तो जब उठते हैं तो रात ही होती है, बारिश हो जो मर्जी हो पानी नहीं नीचे आएगा। बाकी ये मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि ये काफी लंबी है तो ये खत्म नहीं होती इतनी जल्दी। काफ़ी थक चुके हैं, अब हम घर जाने लगे हैं। वैसे भी 3 घंटे हो गए हैं तो काफ़ी कॉल्स आ रही हैं कि कहाँ पर रह गए हो, तो अब हम घर जा रहे हैं। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं तो हम इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हम कल, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।